जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को सुनने में आ ही चुका होगा कि किस तरीके से मिर्ज़ापुर 2 का बहुत जम के बॉयकॉट चल रहा है, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आखिर ये खड़ा होता है कि ये बॉयकॉट करने वाले लोग कौन हैं, और क्या इस बॉयकॉट को करना वाकई में इतना ज़रूरी है। अब ये सब बातें चल ही रही थी कि इस बीच में अली फजल जी का एक बयान आ गया। बेसिकली बॉयकॉट जो शुरू हुआ था वो पूरा का पूरा अली फजल और फरहान अख्तर, जो कि इस शो के को प्रोड्यूसर हैं, उनको ध्यान में रखते हुए लोगों ने इस शो को बॉयकॉट करने की बात करी थी। वो भी इसलिए क्योंकि दिसंबर के समय में जब सीए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसमें अली फजल ने आके एक बयान दिया था जो कि सीए के विरोध में था कि भाई हाँ, शुरू तो मजबूरी में किया था लेकिन अब मज़ा आ रहा है, ऐसा करके उन्होंने एक ट्वीट किया था। बाद में हालांकि उसको डिलीट कर दिया था। फरहान अख्तर भी ऐसे ही प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे और उन्होंने भी कई बचकाने बयान दिए थे, जिसके कि बाद लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कि आखिर ये लोग ऐसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके जवाब में फरहान अख्तर ने कहा था कि भाई प्रोटेस्ट करना हम सभी का एक मौलिक अधिकार है और हम कर सकते हैं प्रोटेस्ट। अगर हमें किसी चीज़ से परेशानी है तो हम बिल्कुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं और हम करेंगे भी। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर विवाद चल रहा था, और मेरा ये मानना है ऐसे में कि देखिए, बॉयकॉट करना ना करना इस शो का हर एक व्यक्ति का अपना खुद का डिसीजन है। कोई भी व्यक्ति के ऊपर डिसीजन थोपा नहीं जा सकता कि मान लीजिए अगर मैं आज कह दूँ कि नहीं भैया आपको मिर्ज़ापुर जाके देखना ही है, तो ऐसा नहीं है कि आप मेरी बात आँख बंद करके मान लेंगे। अगर आपको देखना होगा तो आप छुप के भी देखेंगे, अगर आपको नहीं देखना होगा तो आप नहीं देखेंगे। बेसिक सी बात इतनी है। इसमें कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि आप अपनी चॉइस को बदल दो। जिसको जो करना है उसको वो करना ही है, इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ज़रूर कर सकता है, लेकिन इन दी एंड फैसला उस व्यक्ति का ही होगा। तो ऐसे में अली फजल का बयान ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी तीखी टिप्पणियाँ करी हैं। मैं आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि हमें तय करना होगा कि हम आखिर किस तरफ खड़े हैं, क्या हम किसी ट्रेंड की दया पर टिके हुए हैं। नहीं, मैं कला को उस नज़रिए से नहीं देखता हूँ, हम केवल एक ऐप की दया पर निर्भर हैं जिससे तय होता है कि कौन हमारा शो देखेगा और कौन नहीं। इसका मतलब ये कि बहुत नीचे गिर चुका है। मेरा मतलब है कि अगर आप ट्रेंड की बात करें तो मैंने कभी किसानों के लिए ट्रेंड नहीं देखा जो पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। और इसके साथ ही मिर्ज़ापुर 2 के से जुड़े हुए और कई कलाकार हैं जिनमें कि पंकज त्रिपाठी की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है, उन्होंने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, जो कि उन्होंने बहुत समझदारी वाला काम किया है। लेकिन इसी शो में पंकज त्रिपाठी, जिन्होंने कालीन भैया का किरदार निभाया है, उनके सुपुत्र जिनका कि नाम है मुन्ना भैया, उनका अब एक इसके ऊपर स्टेटमेंट सामने आया है जो कि काफ़ी बचकाना सा भी लगता है, पर ठीक है, उनके कैरेक्टर के हिसाब से वो जो उन्होंने किया है वो ठीक भी कहा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सीधी सीधी बात की, उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा कि इसे बॉयकॉट करने वालों की से अपील की जा रही है कि भैया इस शो को बॉयकॉट कर दिया जाए, और वो बाकी लोगों को भी इस चीज़ को करने के लिए बोल रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऐसे किसी कोई से ट्रेंड से, साथ ही कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि मिर्ज़ापुर के फ़ैंस काफ़ी ज़्यादा हैं। और आगे उन्होंने कहा कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें इस तरह की कोई बेहूदगी नहीं करनी है। लेकिन एक जो उन्होंने बात कही जो लोगों को चुभ गई है, वो ये कि बाहर निकल कर मत बोल देना, नहीं तो बहुत पड़ेगी। बस लोगों को यही एक बात है जो कि इनकी खटक गई, इसके अलावा और कोई बात ऐसी है नहीं जो लोगों को बुरी लगी हो। पर अब यहाँ पर देखिए, आपको एक चीज़ देखने के लिए ये मिलेगी कि एक्टर्स जो हैं वो किस तरीके से अपने आप को उस ओहदे पर बिठा के बैठ चुके हैं कि अगर लोग किसी बारे में बात कर रहे हैं तो उनके लिए वो चीज़ बेहूदगी भरी है, प्लस उनको उनकी इस इन सब बातों में, बॉयकॉट करने वाली बातों में दर्द दिखाई देता है। अब दर्द से उनका क्या मतलब है आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा कहना सिर्फ इतना है कि भाई हर एक एक्टर रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर की तरह काम करता है, लोग उनके अगर काम को पसंद करते हैं तो वो उनकी बातों को सुनते और समझते भी हैं। ऐसे में किसी भी एक्टर को अपनी कोई भी बात किसी के सामने रखने के पहले कई बार सोचना चाहिए कि भाई जो बात मैं अपने सामने वाले के लिए रखने जा रहा हूँ, क्या उस बात से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, और अगर उस चीज़ का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ सकता है तो आपको वो बात करने से बचना चाहिए। पर अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, बॉलीवुड वैसे ही नाराज़ होकर बैठा हुआ है भाई जनता से, क्योंकि जनता ने बहुत भड़कम मचाया है। तो ऐसे में जनता ऑलरेडी आक्रोश में है, और लोगों को, यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ को खास तौर पर, बहुत ही सोच समझ के बोलने की हिदायत दी जा रही है। लेकिन ऐसे में अभी भी एक्टर्स जो हैं इस बात को मानने को तैयार हैं नहीं, और रह रहकर ऐसे बयान दे देते हैं जिनका कि कोई सिर पैर होता नहीं है, कोई सरोकार होता नहीं है, और इन दी एंड बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। जैसे कि पहले अली फजल ने बयान दिया है, और अब जो ये बयान मुन्ना भैया का आया है, दिव्येंदु का आया है, उसके बाद और ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ती नज़र आ रही हैं, क्योंकि लोगों को वो बहुत पिटोगे वाली बात जो है बहुत ज़्यादा खटक गई है।
और इसी को लेकर कई सारे रिएक्शंस हैं जो कि फेसबुक पे हमारे सामने आए हैं। जैसे कि जिज्ञासा राय लिखती हैं कि हो सकता है इस सीरीज़ के विचार ये अपने घर में भी अपनाते हों, ये उन्होंने दिव्येंदु के लिए लिखा है। आगे बिजेंद्र तिवारी बोलते हैं कि बॉयकॉट करना ज़रूरी है, तभी राष्ट्रीयता से भरपूर फिल्में और टीवी सीरियल्स बनेंगे, नहीं तो पूरे समाज को चकला घर बना के रख दिया जाएगा। इसके बाद हरिओम शरण लिखते हैं, एक बेहुदे और घटिया शो को कलाकारी किस दृष्टिकोण से कहा गया, बहुत अच्छे। इसके आगे धीरज कहते हैं, नहीं धीरज की बात कहने लायक नहीं है। सनी देव कहते हैं कि हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्या बनाते हैं और क्या दिखाते हैं, क्योंकि हम इनकी शिटी फिल्म्स या वेब सीरीज़ हम कभी देखते ही नहीं हैं ना आप देखेंगे। इससे अच्छा जो पैसा हम इन कीड़ों के ऊपर खर्च करने वाले थे वो पैसा हम किसी गरीब को दान कर देंगे। काफ़ी अच्छी बात कही है इन्होंने। इसके साथ ही कृष्ण कुमार लिखते हैं कि नहीं, इनकी बात भी कहने लायक नहीं, काफ़ी उत्तेजना भरी बातें कही हैं इन्होंने। रवि के चौहान लिखते हैं कि अरे मुन्ना, सपनों की फिल्मी दुनिया से बाहर निकलोगे तो पता चलेगा कि गुड्डू भैया तुमको ओहो मारने की पहले ही व्यवस्था कर चुके हैं, और वो भी तुम्हारे घर में ही रहकर। तो इस तरह के कोई कमेंट्स हैं जो कि सामने आए हैं, और लोग साफ तौर पे इस बात से नाराज़ नहीं है कि इन्होंने मिर्ज़ापुर 2 के बॉयकॉट को बॉयकॉट करने की बात कही है या इन्होंने ऐसी कोई बात कही है, नहीं। लोगों को दिक्कत इस बात से है कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, उसके बाद आप इस तरह की मेरे हिसाब से बचकानी बातें नहीं कर सकते, बिकॉज आपके सामने फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको सोचना समझ के, सोच समझ के बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आज की डेट में एक्टर्स जो हैं शायद इस बात को बहुत ज़्यादा लाइटली लेने लगे हैं, और इसीलिए इस तरह की चीज़ें, इस तरह के बयान हमारे सामने लगभग डेली के एक नहीं तो दो तो निकल के सामने आ ही रहे हैं। हालांकि जब इनसे उम्मीद की गई थी कि भाई ये लोग कुछ बोलेंगे, तब कोई कुछ नहीं बोला था, लेकिन अब जब इन लोगों पर खुद की आ रही है तो सब बोलने के पीछे पड़ गए हैं। जैसे कि मैं एक्टर्स का नाम ले लूँगा तो फिर मेरे लिए शायद समस्या हो जाए, क्योंकि मुझे आगे तक आप लोगों से बात करनी है, और आगे तक चलने के लिए मुझे गेम में रहना ज़रूरी है, नहीं तो मेरा गेम ओवर कर दिया जाएगा। डर की बात नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात बरत लेते हैं जिससे कि आगे तक बोल पाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो बात आपको समझाना चाहता था आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आपको अगर बॉयकॉट करना है इस टीवी सीरीज़ को तो आप लोग वैसे भी करेंगे, और आपको अगर नहीं करना है तो मेरे बोलने के बाद भी नहीं करेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात आ जाती है इंटरेस्ट की, अगर आपने अपना इंटरेस्ट लूज़ कर दिया है इस चीज़ में तो वैसे भी आपको देखने से कोई मतलब नहीं, आप ही देखेंगे तो हद से देखा था एपिसोड देखेंगे, एंड देन आपको खुद फील होने लगेगा कि यार इसको देखने की अब शायद मुझे ज़रूरत नहीं है। कई टीवी सीरीज़ हैं जो कि मैंने भी देखना शुरू करी, एक या आधा एपिसोड देखने के बाद ही फील होने लगता है कि नहीं यार ये वेब सीरीज़ अपने मतलब की नहीं है। तो हो सकता है ये भी चीज़ें हों, तो देखना पड़ेगा कि भाई मिर्ज़ापुर 2 की जो बॉयकॉट की बात चल रही है, क्या वाकई में बॉयकॉट हो पाता है या लोग इसको जीत तोड़ के देखते हैं, क्योंकि कई सारे फैंस भी मौजूद हैं मिर्ज़ापुर 2 के, ये बात हमें माननी चाहिए, और जिनको करना है वो तो करेंगे। जैसे मैं, मुझे नहीं देखना है ये शो तो मैं नहीं देखूंगा, कोई मुझे देखने को बोले या ना बोले, ये मेरा व्यक्तिगत डिसीजन है कि मैं ये शो नहीं देखूंगा, बात ख़त्म। इसके आगे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।